आज जिस मुशरे में हम जी रहे हैं उस माशरे में दीन के ताल्लुक से हर गोशे में कमी और नक्स वाक़ है आप इबादत देख लें अकायद का मामला देख लें मामला देख लें हर एक अमर में नक्स वाक़ है हर एक अमर में दीन से दूरी है और निकाह के जो मामल हैं उसमें न ये कि सिर्फ़ दीन से दूरी है बल्कि साथ ही इसमें गैर शर्ी अमूर भी दाखिल हैं बल्कि जब शादियाँ होती हैं तो हमारे माशरे में दीन को छोड़ कर सब कुछ सोचा जाता है और सब कुछ तलाश किया जाता है अगर कोई चीज़ अजनबी रहती है हमारे दरमियान तो वो दीन होता है आप देखें कि जब हम अपने बच्चों की या फिर खुद की अगर शादी करते हैं तो उसमें हमने दीन को कितना पढ़ा होता है और दीन को कितना समझा होता है शादी से पहले हम क्या हम जाते हैं किसी आलिम के पास कि आप हमें बताएं कि हम किन सिफात को सामने रख के बीवी तलाश करें या फिर यह कि कोई वली उल अम्र जो किसी का ज़िम्मेदार होता है वालिद भाई किसी आलिम के पास जा कर के कभी ये कहता है कि मौलाना हमें यह बताएं कि वो कौन सी सिफात है जो हम एक लड़के में देखें ताकि रिश्ता जो बने शरीयत की बुनियादों पर बने और जब शरीयत की बुनियाद पर कोई चीज़ होगी तो मज़बूत होगी तो यहाँ हमारे मुआरे में हद दर्जा कमी है बल्कि अगर आप किसी को नसीहत करके ये कहते हैं कि भाई ये काम गलत है ये ना करो आपको सामने से जवाब ये मिलेगा कि अगर हम ये ना करें तो हमारे रिश्तेदार नाराज़ हो जाएंगे अगर हम ऐसी लड़की देखें तो लोग क्या कहेंगे अगर हमने ऐसा लड़का तलाश किया तो फिर दुनिया क्या कहेगी ये और इन जैसे उमूर, हमारी बदनसीबी की दलील है हमारी बदनसीबी का जरिया है हम इन कौन सी सिफात हैं जिन्हें शरीयत ने मतलूब करार दिया है कबल इसके शादी की जाए सबसे पहले लड़के में क्या सिफत होनी चाहिए मर्द में क्या सिफत होनी चाहिए नबी अक्रम सला वसलम ने फरमाया अबू हातिम इसके रावी हैं फरमाते हैं कि कल रसूल सल्लास का फरमान है कि जब तुम्हारे पास किसी ऐसे शख्स का रिश्ता आए जिसके दीन और अखलाक से तुम राजी हो और तुम राजी हो का ये मतलब नहीं है कि हमारे मन के मुताबिक हो जैसा हम चाहते हो बुरा चाहते हो या फिर ये कि दुनियादार चाहते हो दीन से दूर चाहते हो वो मुराद नहीं है बल्कि मुराद मन तरह दीन से राजी होने का मतलब यह है कि जो दीन अल्लाह ने बनाया है उस दीन के मुताबिक तुम राजी हो उसका दीन उसका अकीदा वैसा ही हो जिस अकीदे के मुताबिक उसका अकीदा उसका दीन वही हो उसका अकीदा वही हो जो अकीदा किताब सुन्नत का है तो जिसके दिन से तुम राजी हो अच्छा यहाँ मसला यह होता है कि लोग जब दीन देखने जाते हैं लोग कहते हैं कि भाई बड़ा दीनदार है कैसे भाई तो कहते हैं नमाजी है रोजे रखता है दाढ़ी है उसके पास और माशाल्लाह देखने में भी मुतशर लगता है दीनदार लगता है क्या ये सिर्फ ये इन उमूर को देख लेना दीनदारी को देखना है देखिए दीन क्या है पहले इसको समझना होगा दीन तीन चीजों से मिलकर बनता है या तीन चीजों का नाम है पहली चीज ईमान है उसके बाद इस्लाम है और फिर एहसान है पहली चीज ईमान है अगर हम किसी का दीन देखने जा रहे हैं तो लाजिमन हम ये देखेंगे क्या वो सही ईमान वाला है है क्या क्या उसका अकीदा सही है? क्या उसके अकीदे में कोई वालाफ तो नहीं है कहीं ये चीजें देखनी लाजिम है अब आप किसी से भी शादी करवा देते हैं कोई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी रसूल नहीं मानता आप शादी करवा देते हैं उसी तरह से कोई नित नए अकीदे बिदती अकीदे दे का हामिल होता है आप उससे शादी करवा देते हैं उसी तरह से कोई शख्स ऐसा होता है जो बिदआत करता है खासकर अकीदे में आप उसको पसंद कर लेते हैं सबसे पहली चीज आपको उसके दीन में उसका अकीदा देखना है अगर कोई बदअकीदा है तो आप ऐसे को पसंद ना करें ऐसे से शादी ना करें ना करवाएं आगे कहा वह और उसके अखलाक से भी आप राजी हों अखलाक से मुराद शरी अखलाक है और अख्लाक में सबसे बड़ा अखलाक यह है कि एक इंसान का अखलाक उसके रब के साथ बेहतर हो यानी नमाजी हो गुनाहों से बचता हो हराम से इज्तना करता हो उसी तरह माल कमाने में हलाल हराम की तमीज़ रखता हो फर्क़ करता हो ये सबसे अहम अखलाक है और फिर उसके बाद जो अखलाक के दूसरे अमूर हैं वो उन पर भी पूरा उतरता हो अगर कोई ऐसा शख्स है तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर ऐसे शख्स का रिश्ता आए, फसव तो उससे शादी करवाओ कहा अगर तुमने ऐसा ना किया तकुन फिल अर्द। जमीन में फितना होगा वह उन कबीर बड़ा फसाद होगा और एक रिवायत में है कि वह फसादुल आरीज एक लंबा चौड़ा फसाद हो जाएगा तो अगर कोई शख्स इससे मतलब ये हदीस आपको ये बताती है कि अगर दीनदार का रिश्ता रिजेक्ट किया मना कर दिया हालांकि सामने वाले के दीन में उसके अखलाक में कोई कमी नहीं है उसके बावजूद रद्द कर दिया तो तैयार रहें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको फितने उबतना करेगा इससे फितना आता है का फितना तुन फिल अर्द जमीन में फितना आएगा तो मुआर खराब होगा और आज का मुआशरा आप देख रहे हैं कि किस कदर बिगड़ चुका है ये आप जानते हैं किसी से छुपी हुई बात नहीं है मखफी नहीं है तो कहा तकुलफित न फसादन कबीर व फसादी कल या रसूल अल्लाह सहाबा ने अर्ज किया कि ए अल्लाह के रसूल सल्ह वसलम व इनका नफी हाँ उसमें माल की किल्लत हो फिर भी हम शादी कर दें यानी वो गरीब हो फिर हो मस्किन हो तब भी हम ऐसा करें शादी कर दें और अगर नहीं करेंगे तो फितना होगा नबी वसल्लम ने इसके जवाब में तीन बार ये जुमला दोहराया कि दी जब तुम्हारे पास किसी ऐसे शख्स का रिश्ता आए जिसके दीन व अखलाक से तुम राजी हो तो उससे शादी करवाओ ये तीन बार दोहराया माल की किल्लत दलील नहीं है कि आप उससे शादी ना करें दीनदारी असल है एक दूसरी हदीस है

तो उससे शादी करवा दी जाए वह इन शफा अयुशफा और इस काबिल है कि अगर कहीं सिफारिश करे तो उसकी सिफारिश सुनी जाए कबूल की जाए वह इन कल और अगर कहीं पर कोई बात करे कोई गुफ्तु करे तो लोग उसकी गुफ्तु गौर से सुने ये इस काबिल है कल सुम मसकत रावी कहते हैं जो हदीस बयान कर रहे हैं कहते हैं फिर आप सल्लाम खामोश हो गए फिर कुछ देर के बाद मुसलमानों में से एक गरीब शख्स का गुजर हुआ फ़काल मा तक तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम लोग इस शख्स के बारे में क्या कहते हो अपनी राय बताओ कालू इन हरीबा अल्लाह कहा कि ये तो इस काबिल है कि अगर कहीं पैगाम भेजे रिश्ते के लिए तो शादी से इनकार कर दिया जाए शादी ना करवाई जाए वह इन शफफ़ा अल्लाफा और अगर कहीं सिफारिश करे तो सिफारिश रद्द कर दी जाए कबूल ना की जाए वह युस्तमा। और अगर कहीं कोई गुफ्तू करे कुछ कहना चाहे तो लोग उसे ना सुने परवाह ना करे उसकी बातों की फकाल सल्हस ये सुनकर नबी अलैहि वसल्लम ने फरमाया वसल्लम ने कहा हादा खैरुम ये जो गरीब शख्स है ये जो फकीर आदमी है ये उस आदमी से जो एक उसका एक मकाम है माशरे में उस साहेब मकाम और एक मरतबे वाले शख्स से बहुत बेहतरीन है इतना बेहतरीन कि अगर उस मरतबे वाले शख्स से पूरी जमीन भर दी जाए तो उसके मुकाबले में ये एक शख्स उससे बेहतर है इस रिवायत को बखाय रहा ने अपनी सही में नकल किया है तो निकाह जब करें तो उसमें लाजिमन दिन का ख्याल रखें दुनिया का ख्याल रखना ये दर हकीकत आपको निकाह के मामलत में दीन से दूर और सुकून से दूर ले जाएगा दूसरा मसला है कि औरतों में यानी लड़की में वो कौन सी सिफात देखनी है जिनकी बुनियाद पर शादी की जाए यानी शरीयत ने उस बुनियाद को शरी बनाया है जवाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है आप सला वसल् ने फरमाया तमर अतुल अरबा कि किसी औरत से चार वजूहत की बिना पर लोग शादी करते हैं शादी की जाती है उससे चार उमूर की बुनियाद पर लिमा लिहा उसके माल के सबब उसकी माल की वजह से वली हसबिहा उसके हसबो नसब की वजह से बाप दादा को देख करके वली जमा लिहा और उसकी खूबसूरती को देख करके वली और फिर उसके दीन को देख करके दीन वाली को इख्तियार करके उसको तरजीह दे करके तुम कामयाब हो जाओ तुम्हारे हाथ में मिट्टी लगे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में शादी की यानी किसी लड़की से शादी की जाती है या किसी लड़की को इख्तियार किया जाता है हम सफर होने के लिए उसकी चार वजूहात बताई हैं अच्छा ये जो वजूहात हैं इनमें से तमाम वजूहात शर्न मतलूब हैं ऐसा नहीं है यानी शरीयत ने इसको तलब किया है कि इन इन चीजों को देखो ऐसा नहीं है बल्कि नबी अकरम वसल्लम ने लोगों का एक मामला बताया है कि लोगों का मामला क्या है चुनानचे फरमाया कि लोग या तो माल की वजह से शादी करते हैं या फिर यह हसबो नस्ब को देख करके शादी करते हैं या फिर यह के उसकी खूबसूरती को देख करके शादी करते, करते हैं या फिर कोई तमाम चीजों को देखता है मतलब लोगों का ये मामला है और कुछ होते हैं उनमें से जो दिन को देखते हैं शरीय ने आपको क्या कहा करने के लिए शादी सिर्फ सिर्फ करो अच्छा यहाँ दीन से मुराद फिर से आपको समझना होगा दीन से मुराद सिर्फ जाहिरी आमाल नहीं है कि नमाजें पढ़ती हो रोजे रखती हो तिलावत कर्न करती हो यह सब भी है लेकिन दीन से बुनियादी तौर पर मुराद अकीदा है बुनियादी तौर पर दीन से मुराद अकीदा होता है जिसके अकीदे में खलल हो नक्स हो ऐसी लड़की इख्तियार ना करे और आजकल कर तो हम जानते हैं कि लोग और खूस लड़के वाले शादी के मामला में दीनदारी को कितना पीछे रखते हैं कितने लोग हैं जो दीन की बुनियाद पर शादी करते हैं और अगर बाज लोग इसको देखते भी हैं तो उनमें से कितने हैं जो खास तौर से अकीदा को देखते हैं लोग अपने खानदान से बाहर नहीं निकलना चाहते चाहे जैसी भी मिल जाए लोग किसी को किसी वजह से रद्द कर देते हैं हाँ वो जितनी भी दीनदार हो माल की वजह से या फिर और किसी वजह से तो अभी लोगों का जो मामला है वो लोग अकीदा और दीन को बहुत कम देखते हैं जबकि हमें देखना ये है और फिर मसाला तब और ज्यादा बढ़ता है जब यही लोग जिन्होंने दीन को पीछे रख करके बल्कि दीन को एक तरह से मुर्दा करके शादियां की है जब उनकी शादियों में मसला होता है तो उलमा के पास आते हैं और उन्हें कहते हैं कि आप लोग सही से काम नहीं करते आप लोग मुआरे की इसलाह नहीं करते माशरे में ये बिगाड़ है ये फसाद है तलाक हो रही है शोहर और बीवी में आपस में झगड़े हैं ये आकर के फिर को कहते हैं आप जब शादी करने गए थे उस वक्त कहाँ थे हमारा सवाल यह है उस वक्त आपने को क्यों नहीं याद किया क्या उस वक्त आपने दीन की बुनियाद पर शादी की थी क्या सही अकीदे की बुनियाद पर शादी की थी अगर नहीं तो यह सब चीजें तो आनी है यह तो लाजमी नतीजा है दीन को छोड़ने का लिहाजा अब आप भुगते हैं ओलमा की क्या गलती है इसमें तो ओलामा को निशाना ना बनाए यह गलती आपकी है आप जब कभी भी दीन को जिस मामले में छोड़ेंगे अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके उस मामले में फसाद पैदा करेगा ये याद रखें तो दीन वाली को इख्तियार करने का नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है शरअन मतलूब सिर्फ यही एक सिफत है तो जब कभी रिश्ता देखने जाए बुनियादी तौर पर दीन देखे इसमें एक सवाल पैदा होता है कि हसब व नसब से हदीस में क्या मुराद है हम जानते हैं हसब व नसब से मुराद जो सही माना है उसका वो ये कि बाप और दादा को देखना कि उसका खानदान बाज्ज़त हो बेहतरीन हो ये देखना अलबत् दुनिया वाले हसबो नसब के बजाय माल देखते हैं चुनाच नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन अहसाब अहली दुनिया हाजल माल के लोग दुनिया वाले जिस चीज को हसबो नसब के तौर पर देखते हैं मकाम वाला समझते हैं मरतबे वाला समझते हैं वो मालदारों को माल को जरिए हसबो नसब या माल को मरतबे का सबब समझते हैं जबकि वो क्या है दूसरी हदीस में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इब्ने जुंदूब रजी से मरवी है यह रिवायत अल हसब तकवा लोग हसबो नसब माल को समझते हैं यानी मरतबा मालदारों को देते हैं इज्जत मालदारों को देते हैं जबकि मुअज्जज़ शख्स वो है जो मुत्तकी है इन्ना इंदल्लाही अत्काकुम अल्लाह के नजदीक मुआज वो है जो ज्यादा मुतकी है लिहाजा बुनियाद बनाए तकवा असल इज्जत है और तकवा असल हसब है तो मुत्की होना किसी का नेक होना वो उसको मुआजस बनाता है वो उसको नसब वाला बनाता है इबना अब्बासमा फरमाते हैं उन्होंने लोगों से पूछा माताम तुम लोग इज्जत आज किसे समझते हो इज्जत किसे जानते हो किसे समझते हो कहा वह करमा अल्लाह ने करम को बयान किया है फरमाया तुम्हारे नजदीक सबसे ज्यादा मुआजस वो है जो सबसे ज्यादा मुतकी है फिर कहा माताब तुम्हारे नजदीक हसब नसब क्या है फिर जवाब दिया अव्वल हसबा हसब के एतबार से सबसे अफजल तुम में वो है अहसन हुकुम खुलुका जिसके अखलाक सबसे बेहतर हैं तो हसब असल तकवा और बेहतरीन अखलाक का नाम है दूसरी भी सिफात हैं जिनको मलहूज नजर रखना जरूरी है जब औरतों को किसी औरत से शादी करें किसी लड़की को देखने जाए रिश्ता देखने जाए उनमें से अबू रज की रवायत है कि नबी अक्रम सल्हम से पूछा गया कि अय्य खैर कौन सी औरत सबसे बेहतर है आप सल्ह वसलम ने फरमाया वो औरत उसका शोहर उसकी तरफ देखे खुश हो जाए उस शख्स ने उसको माल दिया है उसमें उसकी मुखालफत ना करे जिसको वो नापसंद करता वो काम ना करे तो ऐसी औरत सबसे बेहतर है निकाह करते वक्त जिन सिफात को देखना मतलूब है उनमें से एक ये भी है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि खैर तुम्हें सबसे बेहतरीन या तुम्हारी बेहतरीन औरतें वो हैं अलूद अलुद जो सबसे ज्यादा मोहब्बत करती हैं और सबसे ज्यादा बच्चे जनती हैं पैदा करती हैं अलमुवातिया जो शौहर की मुआफ़त करती है मुखालफत नहीं करती है यानी जो हुक्म देता है उसकी एतात करती है और

शरकुम तुम्हारी सबसे बुरी औरतें कौन है कहा अलमत जिनके अंदर तकबर है मुनाफिकात यही मुनाफिका है और एक रिवायत में इजाफा है कि अल अलमुतब्रिजात जो औरतें बेपर्दा होकर निकलती हैं पर्दा नहीं करती हैं ये सबसे बुरी औरत है जो पर्दा नहीं करती है बेपर्दगी के साथ निकलने वाली औरत सबसे बुरी औरत है और हदीस सही है तो कहा कि बुरी औरत वो है जो पर्दा नहीं करती है और जो तकबुर करती है फरमाया लायत खुलन्न तमिन उनमें से जन्नत में सिर्फ वही उतनी ही औरतें जाएंगी उनकी जो मकदार होगी उतनी होगी कहा जितनी ऐसे कौवों की मकदार है अदद है तादाद है जिसके पर और पेट में या लाल रंग होता है आपने बहुत कम ऐसा कौवा देखा होगा जो लाल रंग का होता है जिसका पर होता है और एक नबी अलैहि वसल्लम ने फरमाया खैरसाई तस्रु का इजा अब बेहतरीन औरतें वो हैं। कि जब तुम उनकी तरफ देखो तो तुम्हें खुश कर दे वह तो ईज़ा अमर्त जब तुम किसी बात का हुक्म दो तो वो तुम्हारी बात की इतात करें नाफरमानी ना करें व तहफ बतक फी नफसी है व मालिक कि तुम्हारे गायबाने में जब तुम मौजूद ना हो तो ख़ुद अपने आप की और तुम्हारे माल की हिफाजत करें अपने आप की आज मुआरह में वाक़ अगर आप देखेंगे तो एक तरह से ये एक मरज़ हो गया बीमारी हो गई है कि औरतें दूसरों से बातें करती हैं नवाज़ शादी होने के बावजूद भी शोहर अगर मौजूद नहीं होता है तो फिर मामला और भी आगे बढ़ जाते हैं खासकर जो सोशल मीडिया का जमाना है इस जमाने में तो ये मामला और भी आम है उनमें फेसबुक और व्हाट्सएप वगैरह के जरिए बातें करना गायबाने में ही हुआ ये व्हाट्सएप और फेसबुक के जरिए किसी गैर मर्द से बात करना यह गायबाने में बात करनी है तो इन उमूर से इज्तनाब करें क्योंकि ऐसी औरतें बेहतर नहीं हैं अब यकीन ये निकाह के मामला हैं तो इन मामलों में आप शरीयत की पाबंदी करें उसका लिहाज रखें और इन हम इस सिलसिले को आगे बढ़ाते रहेंगे इसमें और भी बातें आती रहेंगी आप हमारे साथ जुड़े रहें देखते रहें इन अगली किस्त में कुछ और बातें भी आएंगी आपके सामने निकाह के ताल्लुक से आप हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें आई प्लस टी तब तक अपना ख्याल रखें अल्लाह हम सबको अमन व सलामती के साथ रखें अल्लाम आलैक्म वरमि वबरक ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें